दोस्तों आपको सेल्फी लेना पसंद है? अगर पसंद है और आपको 10,000 के नीचे का एक फोन चाहिए तो आ गया है Redmi का Y3। जी हाँ, Y सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन। और आपको पता है कि Y सीरीज जो है ये सेल्फी के लिए जाने जाते हैं। Y2 वॉज अ ग्रेट सेल्फी स्मार्टफोन, वैसे ही है Y3। लेकिन हम करेंगे इसका अनबॉक्सिंग, खोल के देखेंगे, कुछ सेल्फीज भी लेंगे और फिर आपको बताएंगे। Let's get started. सबसे पहले दोस्तों देखते हैं बॉक्स पे ज्यादा कुछ नहीं है, ऊपर Y3 लिखा हुआ है। हमारे पास जो कलर है वो है एलिगेंट ब्लू, 3GB, 32GB, इसमें और एक वेरिएंट आता है 4GB, 64GB। खोल के देखते हैं, लेट्स ओपन। ऑल राइट, ब्लैंक, कुछ नहीं है। तो ये है Redmi Y3, लेकिन पहले देखते हैं क्या है इसके अंदर। सिम कार्ड टूल, डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्ट TPU केस। एज यूजुअल दोस्तों, ये जो है इतनी खास क्वालिटी की नहीं लगती है, बट ठीक है। वो ये देखिए, खोलेंगे इसे रखते हैं बाजू को, देखते हैं और क्या है बॉक्स में। 10W ट्रैवल चार्जर, माइक्रो USB केबल, जी नहीं और कुछ नहीं है। इसे सबको रखते हैं बाजू को। सबसे पहले तो 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा क्लियरली लिखा हुआ है। ये आता है Qualcomm Snapdragon 632 प्रोसेसर पे, 15.9 इंच की 6.26 HD प्लस फुल स्क्रीन नॉच डिस्प्ले है, इसमें डॉट नॉच आता है, एंड 4000 मिली एम्पियर आर की हाई कैपेसिटी बैटरी। दोस्तों Y सीरीज में अभी तक Y1 और Y2 दोनों में भी एक प्रॉब्लम हुआ करता था कि उसकी बैटरी जो है कम थी, 3000 मिली एम्पियर आर की, बट फाइनली Redmi ने सुन लिया है, 4000 मिली एम्पियर आर की बैटरी दी है, जो आराम से आपको एक दिन भर जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, हाथ में जब आप ये फोन लेते हो तो आपको लगता है कोई हेफ्टी फोन ले लिया। जी हाँ, इट इज थिक, मतलब जनरली जो आजकल के फोन्स आते हैं पतले होते हैं, बट दिस वन इज सीरियसली थिक। दोस्तों Redmi कहता है कि ये है Aura Prism डिजाइन, एंड अगेन यू नो ड्यूअल टोन है, बीच में डार्क है और साइड में अगर आप देखोगे तो लाइट हो जाता है। हमारे पास जैसे मैंने कहा ब्लू कलर है, एंड यू कैन सी दिस ग्रूव्स, बहुत पतले पतले ग्रूव्स है इसके अंदर, जो अगर ठीक तरह से आप देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेंगे। ओवरऑल डिजाइन लुक्स गुड, और ये जो कर्व है, दिस कर्व ऑल्सो मेक्स दिस फिट इन हैंड। थोड़ा मोटा है, थोड़ा बड़ा भी मैं कहूँगा है, बट हाथ में ठीक ठाक बैठता है। लेकिन अगर छोटे हाथ होंगे दोस्तों तो थोड़ा हाथ में बड़ा जरूर लगेगा। और दोस्तों जैसे कि हर फोन के साथ होता है, जो ऐसा है स्पेशली पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, मैग्नेट तो नहीं कहूंगा बट फिंगरप्रिंट जरूर आते हैं इसके ऊपर, यू विल हैव टू यूज इट विद द केस। चलिए दोस्तों क्विकली देख लेते हैं एक्सटर्नल पोर्ट्स वगैरह के पास। बीच में आता है दोस्तों माइक्रो USB पोर्ट, माइक्रोफोन, स्पीकर ग्रिल। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ नहीं दिखेगा, ऊपर सिर्फ SD कार्ड ट्रे, ऊपर की तरफ 3.5mm जैक, IR ब्लास्टर, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन, राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर एंड ऑन ऑफ बटन। देखते हैं दोस्तों हाइब्रिड सिम स्लॉट है या डेडिकेटेड, लेट्स फाइंड आउट। डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है, सो नो प्रॉब्लम्स देयर। दोस्तों अगर कैमरास की बात करते हैं, पीछे की तरफ आते हैं दो डुअल कैमरास आते हैं, 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। आगे की तरफ है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, दैट इज द बिग थिंग। ओवरऑल ग्रेट लुकिंग फोन मैं कहूंगा इस रेंज में, इट्स सब 10,000, तो दिखने को मेरे हिसाब से तो ये फोन अच्छा है। एक बात याद रखिए, फिंगरप्रिंट सेंसर जो है थोड़ा ऊपर अगर होता मेरे हाथ के लिए तो ज्यादा अच्छा होता, थोड़ा नीचे है। चलिए दोस्तों ये तो हो गया आउटर पार्ट, अब देखते हैं अंदर क्या है, थोड़े सेल्फीज वगैरह निकालेंगे। लेकिन जब तक ये बूट अप होता है, सेटअप होता है, अगर आप नए हो इधर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों हो गया है Redmi Y3 सेटअप, लेकिन उतने टाइम में सब इंस्टॉल करने में टाइम जाता है। हमारा ऑफिस जो है उसे भी हमने सेटअप कर दिया है, 2 मिलियन के सेलिब्रेशन जो हो रहे हैं। जब तक आप ये वीडियो देखोगे 2 मिलियन कंप्लीट हो गए होंगे ट्रैक इन टेक चैनल के, आपकी वजह से। लेकिन दोस्तों ये जो वीडियो है वो है Y3 का अनबॉक्सिंग। चलिए देखते हैं सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस की तरफ। Y3 आता है Qualcomm Snapdragon 632 प्रोसेसर पे, साथ में दो वेरिएंट्स है 3GB 32GB प्लस 4GB 64GB। इसकी जो बैटरी है फॉर द फर्स्ट टाइम इन Y सीरीज 4000 मिली एम्पियर आर की है। Y2 में बैटरी का प्रॉब्लम था 3000 या 3050 मिली एम्पियर आर की थी, तो बैटरी अब बढ़ा दी गई है, आराम से आपको 1-1.5 दिन तक चली जाएगी, नो प्रॉब्लम। अगर सेंसर्स की बात करते हैं तो सभी सेंसर्स है और फिजिकल जायरोस्कोप है। हमें लगा था शायद सॉफ्टवेयर जायरोस्कोप वगैरह होगा, लेकिन नहीं, सभी सेंसर जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक फोन में वो सभी इसमें है। अगर डिस्प्ले की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें आता है 6.26 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, इट इज नॉट FHD, HD प्लस डिस्प्ले है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में देखोगे
तो थोड़ी मुश्किल आपको जरूर होगी। आइकन्स वगैरह इतना ब्राइट नहीं है, इतने पंची कलर्स नहीं है, तो डिस्प्ले इज ओके ओके। लेकिन हाँ दोस्तों, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन जरूर है। दोस्तों अगर सार वैल्यू की बात करते हैं, बहुत सारे कमेंटर्स बोलते हैं कि भाई सार वैल्यू बोला करो, तो सार वैल्यू हेड का जो है वो है 1.031 और बॉडी का जो है वो है 0.573। जो लिमिट होता है वो 1.6 वैट पर केजी का होता है, तो दोनों भी लिमिट के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सार वैल्यूज आर ओके। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की। वो आजकल फिंगरप्रिंट सेंसर सही में फास्ट हो गए हैं। अगर आप 1-1.5 साल पहले के फोन्स देखते थे तो थोड़ा टाइम लगता था, अभी इसे देखिए, दैट इज फास्ट। बढ़ते हैं अब फेस अनलॉक की तरफ, चलिए देखते हैं। ओके ठीक है, फिंगरप्रिंट सेंसर जितना फास्ट नहीं है लेकिन इट इज रिलायबल। ये देखिए, लेकिन देखते हैं फोटो के साथ खुलता है या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। इंटरेस्टिंग दोस्तों, फेस अनलॉक जो है इट वॉज क्वाइट सिक्योर। जी हाँ, 1-2 बार खुला, इट्स नॉट टोटली सिक्योर, लेकिन बहुत सारे फोन हमने देखे हुए हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है, खुल जाते हैं बहुत इजीली फोटो के साथ। Y3 नहीं खुला, विच इज अ गुड थिंग। चलिए दोस्तों बात करते हैं ऑडियो वीडियो की। अगर वीडियो की बात करते हैं दोस्तों, HD+ स्क्रीन है, ठीक ठाक दिखते हैं वीडियोस जितना मैंने देखे। अगर आउटडोर्स आप देखोगे तो इतना क्लियरली आपको नहीं दिखेगा, स्पेशली डायरेक्ट सनलाइट में। लेकिन अगर ऑडियो की बात करते हैं तो एवरेज ऑडियो है। सो एज लॉन्ग एज वीडियो एंड ऑडियो की बात होती है, आई थिंक दे आर ओके एवरेज। वैसे दोस्तों एक चीज जरूर कीजिएगा, आपके लिए कीजिए लाइक, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हो रहे हैं। चलिए दोस्तों करते हैं बाकी के फीचर्स की बात। इसमें IR ब्लास्टर है, हर Redmi फोन में होता है और इसमें भी है, बहुत अच्छी बात है। P2i कोटिंग है, इसका मतलब IP सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन पानी गिर गया, थोड़ा डस्ट विस्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। लेकिन अगर आपने डुबा दिया, डेफिनेटली देयर विल बी सम प्रॉब्लम, मत डुबाइए पानी में। साथ में दोस्तों अगर GCam आपको इस्तेमाल करना है तो कैमरा टू API का सपोर्ट है, नो प्रॉब्लम्स देयर। और अगर नेटफ्लिक्स पे HD स्ट्रीमिंग आपको करनी है तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि L1 का सपोर्ट नहीं है इसमें, ये सपोर्ट करता है L3 को। और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन लाइट है, जो नोटिफिकेशन लाइट के फैन है उनके लिए जरूर है, नीचे की तरफ है, सिंगल कलर नोटिफिकेशन लाइट है, लेकिन है जरूर। और हाँ दोस्तों, डुअल 4G वोल्टी को सपोर्ट करता है, इसका मतलब दोनों भी सिम आपके वोल्टी के होंगे, दोनों भी चलेंगे एक ही साथ में, स्टैंड बाय पे होंगे तो भी। फाइनली दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अगर अंतुदु स्कोर देखते हो तो आता है 1,04,000। हमने जो भी 3-4 फोन देखे अभी तक Qualcomm Snapdragon 632 प्रोसेसर पे, सबका स्कोर यही आता है। और अगर पबजी गेमिंग की वगैरह बात करते हो तो आप खेल जरूर पाओगे, मीडियम सेटिंग पे भी खेल पाओगे, लेकिन अगर अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो सबसे जो लो सेटिंग है उस पे खेलिए, मीडियम सेटिंग पे आपको फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह जरूर दिखेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर नॉर्मल गेम्स आप खेलोगे, 50 MB 100 MB के जो नॉर्मल गेम्स हैं वो खेलोगे, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे, बहुत ही स्मूथली चलते हैं। अगर आप MIUI 10 के पास देखते हो, 632 के साथ बहुत अच्छी तरह चलता है, ओवरऑल जो स्वाइप्स वगैरह है कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं आया। एंड फाइनली दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में। इसका जो USP है वो है 32 MP का सेल्फी कैमरा, एंड इट वर्क्स ब्यूटीफुली। आप इंडोर्स आउटडोर्स थोड़े लो लाइट में, नॉर्मल लाइट में भी आप अगर सेल्फीज निकालोगे, 32 MP फ्रंट सेल्फी कैमरा के साथ अच्छे आएंगे। ब्यूटी मोड है, पोर्ट्रेट मोड भी अच्छा चलता है। अगर आप एज डिटेक्शन वगैरह की बात करते हो थोड़े सॉफ्ट आएंगे, लेकिन मोबाइल के ऊपर अगर आप देखोगे बहुत ही प्लीजिंग फोटोज आएंगे। साथ में शार्प भी है, मतलब डिटेल्स भी बहुत कैप्चर करता है इसका जो सेल्फी कैमरा है वो। साथ में वीडियोज आप शूट करते हो सेल्फी कैमरा के साथ, फ्रंट कैमरा के साथ, तो EIS का सपोर्ट है, स्टेबिलाइजेशन है, तो वीडियोज भी अच्छे आते हैं, ऑडियो भी ठीक ठाक आता है। ओवरऑल मैं कहूंगा इसका जो सेल्फी कैमरा है इंप्रेसिव है, इट इज रियली गुड। और इसकी जो प्राइस है दोस्तों, याद रखिए 10,000 के नीचे है, फॉर दैट प्राइस सुपर सेल्फी कैमरा 32 MP का सही में अच्छा है। अब बात करते हैं रेयर कैमरा की। डुअल कैमरा आते हैं 12 MP प्लस 2 MP, जो Redmi Note 7 में सेटअप था वही सेम सेटअप है, लेकिन इसमें नाइट मोड वगैरह नहीं आता है। अगेन वो कैमरा जो है ठीक ठाक है, पोर्ट्रेट मोड भी ठीक ठाक चलता है। ओवरऑल मैं कहूंगा रेयर कैमरा इज एवरेज,
द फ्रंट कैमरा इज द सुपरस्टार। लेकिन डिस्क्लेमर दोस्तों, ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस हैं, हमें और भी फोटोज निकाले हैं और भी बहुत सारे वीडियोज निकाले, उसके बाद में डिटेल में हम आपको बता सकेंगे। आपको अगर कोई भी सवाल है इसके कैमरा के बारे में तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वैसे दोस्तों, Y3 के साथ आज Xiaomi ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है Redmi 7, और इसका अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हमने किया है, जो ग्लोबल वर्जन का है जरूर देखिएगा कार्ड सेक्शन में। तो मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस क्या है Redmi Y3 के बारे में दोस्तों, वन थिंग स्टैंड्स आउट एंड वन थिंग ओनली, इसका जो 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है सही में अच्छा है। बाकी सब जो है मैं कहूंगा ठीक ठाक ही है। डिस्प्ले इतना ब्राइट नहीं है, इतने कलर्स पंची वगैरह नहीं दिखते हैं। अगर हाथ में लोगे तो आपको थोड़ा हैवी लगेगा ये फोन डेफिनेटली। हाँ, ड्यूरेबल लगता है बट हैवी भी है, बाकी सब ठीक ठाक है। एंड 632 प्रोसेसर नया प्रोसेसर है, ठीक है। तो एक चीज़ जो स्टैंड आउट होती है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, वो Xiaomi भी बार बार आपको बताता है। चलिए दोस्तों, इस Redmi Y3 के अनबॉक्सिंग में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रकिंग।